हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रेवल साथी। फ्रेंड्स, ये फोटो देख के आपको पता चल रहा है कि नर्स का फोटो है। सो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हैं कि नर्स का फोटो मैं अचानक क्यों दिया। सो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट्स में और एयरलाइन में कुछ ऐसा वैकेंसी है अदर देन एयरलाइन स्टाफ, कैप्टन, केबिन क्रू। सो कुछ ऐसा वैकेंसी भी होता है दैट इज़ फॉर मेडिकल स्टाफ। सो मेडिकल स्टाफ दैट मीन्स डॉक्टर एंड नर्सेस। सो फ्रेंड्स, विस्तारा एयरलाइन और टाटा एसआई एयरलाइन इज़ लुकिंग फॉर अ सीनियर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टाफ और स्टाफ नर्स। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर फ्रॉम नर्सिंग बैकग्राउंड ऑफ इफ यू आर वर्किंग इन नर्सिंग एज ए नर्सिंग स्टाफ, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एयरलाइन एज ए सीनियर रजिस्टर्ड नर्स। सो फ्रेंड्स, इसका सैलरी भी हैंडसम ऑफर करता है। एज पर विस्तारा एम्प्लॉयज़ का सैलरी पैटर्न हो सकता है 4.5 to 5.8 lakhs पर एनम। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर नर्सिंग एस्पिरेंट और ऑलरेडी पर्सन वर्किंग एज ए नर्स इन प्राइवेट सेक्टर और अ गवर्नमेंट सेक्टर नर्स ऑल्सो कैन अप्लाई इफ दे हैव नेसेसरी रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो डिटेल्स। सो फ्रेंड्स, एज ए रजिस्टर्ड सीनियर नर्स इन विस्तारा और टाटा एसआई एयरलाइंस, यू नीड टू कैरी आउट सम ड्यूटी। सो वो ड्यूटी क्या करना है या क्या जॉब डिटेल्स है, क्या जॉब नेचर है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताया गया है। एंड फ्रेंड्स, आपको पता है कि एयरपोर्ट में बहुत सारा ट्रैवलर ट्रैवल करते हैं, सडनली कोई सीक होता है तो उनको कुछ मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ सकता है, तो इसलिए एयरलाइन जो विस्तारा हायर कर रहा है, एडिशनली पैसेंजर के साथ साथ उनको जो स्टाफ है, जो मेडिकल ड्यूटी है, प्री फ्लाइट जो मेडिकल चेक्स होता है, दैट इज़ हैज़ टू बी कैरी आउट विद द विद द डॉक्टर ऑन ड्यूटी। सो फ्रेंड्स, ऑल द डिटेल्स मेंशन, प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। एंड फ्रेंड्स, आई ऑल्सो रिक्वेस्ट टू ऑल माई न्यू व्यूअर्स हु इज़ फर्स्ट टाइम विजिटिंग दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट इन फ्यूचर यू विल गेट द लेटेस्ट जॉब एंड ट्रैवल रिलेटेड अपडेट। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द डिटेल्स ऑफ दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, विस्तारा का जो नया वैकेंसी आई है दैट इज सीनियर रजिस्टर्ड नर्स। सो इफ़ यू आर रजिस्टर्ड नर्स देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सो फ्रेंड्स, इसको अप्लाई करने से पहले हम लोग जान लेते हैं आपको ये कहाँ पे मिलेगा आपका ये एडवर्टाइजमेंट। सो फ्रेंड्स, आपको विस्तारा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ कैरियर्स एयर विस्तारा। सो फ्रेंड्स, विस्तारा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ carriers.airvistara.com। ये वेबसाइट में जाके आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। सो आपको लॉगिन में क्लिक करके आपका एक अकाउंट क्रिएट करना है। सो इसके बारे में जानते हैं कि सीनियर रजिस्टर्ड नर्स में अगर अप्लाई करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एंड कंपनी का नाम है टाटा एसआई एयरलाइंस लिमिटेड। सो आप ये अगर यू आर फ्रॉम कोलकाता और यू वांट टू वर्क एट कोलकाता, सो दिस इज़ फॉर यू। सो जॉब ओवरव्यू के बारे में जानते हैं, तो इसका जॉब ओवरव्यू क्या है, तो दैट इज़ टू मैन द मेडिकल रूम एट कोलकाता बेस एयरपोर्ट ऑफिस। सो इस तरह का जो एयरपोर्ट ऑफिस है कोलकाता एयरपोर्ट में, तो उसमें आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। एंड आपको प्री फ्लाइट मेडिकल चेक्स एंड पोस्ट फ्लाइट मेडिकल चेक्स क्रू लोगों का जो होता है वो आपको करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो यू नीड टू हैंडल एनी मेडिकल इमरजेंसीज ऑफ स्टाफ एंड पैसेंजर्स एट द एयरपोर्ट इन कैपेसिटी एज ए रजिस्टर्ड नर्स। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको जो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होता है इस तरह का स्टाफ है उनको, और अदरवाइज इस तरह का जो पैसेंजर है एयरपोर्ट में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होता है तो आपको इसमें हेल्प करना पड़ेगा एज ए नर्स और हैंडल करना पड़ेगा सिचुएशन। एंड आपको फर्स्ट एड अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ द जॉब ओवरव्यू। नेक्स्ट जानते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो इसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। सो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कॉन्डक्ट प्री फ्लाइट एंड पोस्ट फ्लाइट मेडिकल चेक्स एंड मेंटेन इट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स एज पर प्रिवेलिंग DGCA एंड कंपनी रूल्स। सो DGCA एंड कंपनी का रूल्स है, तो एज पर ये आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। एंड प्री फ्लाइट एंड पोस्ट फ्लाइट जो क्रू का मेडिकल चेक होता है वो आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। नंबर टू ऑप्शन,
टू मेंटेन एंड अपकीप द मेडिकल सेंटर एंड एड्रेस ऑल डिस्क्रिमेंसेस। सो आपको ये करना पड़ेगा। थर्ड बोल रहे हैं टू असिस्ट इन एंड सर्टिफाइंग द कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट एड किट, मेडिकल किट एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशन किट। सो आपको इसमें भी ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है ट्रीट द एम्प्लॉई एंड अटेंड टू द इमरजेंसीज इन कैपेसिटी एज ए रजिस्टर्ड नर्स। सो आपको इस तरह का जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉई का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एंड इमरजेंसी अगर कुछ होता है तो एज ए रजिस्टर्ड नर्स आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो बोल रहा है असिस्ट एंड इन डीलिंग विद द कैजुअलिटीज ऑफ एक्सीडेंट्स और मेडिकल इंसिडेंट्स इन द एयरपोर्ट एरियाज फॉर एम्प्लॉयज ऑफ टाटा एसआई इफ नीडेड एज ए रजिस्टर्ड नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेट फर्स्ट एड। सो अगर कुछ एक्सीडेंट और इंसिडेंट होता है एयरपोर्ट में, टाटा विस्तारा और एसआई जो एम्प्लॉय है उनका अगर कुछ इंसिडेंट्स कुछ होता है तो आपको उसमें फर्स्ट एड और अदर्स जो नर्सिंग रिलेटेड एक्टिविटी। नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेट विथ इमरजेंसी सर्विसेज इफ नेसेसरी। सो एयरपोर्ट में आप अगर काम करना चाहते हैं, आपको पता है कि एयरक्राफ्ट इंसिडेंट और एक्सीडेंट भी हो सकता है, सो इन केस ऑफ इमरजेंसी तो नेसेसरी जो सर्विसेज हैं उससे आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट असिस्टेंट सबमिट देमसेल्व्स टू डीजीसीए और इंटरनल ऑडिट्स एंड इन्वेस्टिगेशन इफ रिक्वायर्ड। सो आपको इसमें असिस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट रेस्पॉन्ड टू कॉल्स एंड एयरपोर्ट एक्सीडेंट्स ड्रिल्स कंडक्टेड बाई एयरपोर्ट ऑपरेटर एंड अदर सुइटेबल अथॉरिटी। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी का और ऑपरेटर का जो ड्रिल होता है इनकेस ऑफ एनी इंसीडेंट और एक्सीडेंट, सो आपको ये कॉल्स जो आता है उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो है वर्क इन शिफ्ट्स एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। सो इसमें शिफ्टिंग ड्यूटी है, इसमें भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहे विलिंगनेस टू ट्रैवल आउटसाइड दिल्ली फॉर ऑडिट्स और चेक्स एंड अदर टेम्पररी फंक्शंस इफ रिक्वायर्ड। सो अगर दिल्ली आपका बेस होता है सो दिल्ली के बाहर भी आपको ट्रैवल करना हो सकता है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल रूम्स लाइक मंथली स्टॉक्स टेकिंग फॉर पीएफएमसी रिलेटेड स्टेशनरी इक्विपमेंट मेडिसिन स्टॉक स्टेशनरी रिक्वायरमेंट्स एंड इनिशिएट प्रोसेस फॉर परचेज एज एंड व्हेन नेसेसरी एटसेट्रा। सो आपका एज ए स्टॉकिस्ट और जो आपका जो मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट है उसका भी आपको स्टॉक रखना पड़ेगा और मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है असिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स इन फंक्शनिंग टास्क ऑफ मेडिकल सेक्शन। सो मेडिकल ऑफिसर जो रहते हैं उनको भी असिस्ट करना पड़ेगा यहाँ आपको। नेक्स्ट जो है मेंटेन मेडिकल रूम एज पर डीजीसीए रिक्वायरमेंट एट ऑल टाइम। सो मेडिकल रूम जो होता है सो उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा एज पर डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको ये रखना पड़ेगा। तो इसके जो एट्रीब्यूट एंड स्किल्स क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो आपको स्किल बोल रहे गुड आईटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स रहना पड़ेगा, गुड रिपोर्ट राइटिंग एंड प्लानिंग स्किल्स आपको रहना पड़ेगा, गुड कमांड ओवर इंग्लिश ओवर वर्बल बोथ वर्बल एंड रिटन। तो इंग्लिश इज मैंडेटरी हियर, सो इंग्लिश में आपको वर्बल एंड रिटन गुड होना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहे असर्टिवनेस अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड पंक्चुअलिटी। सो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आपको दिमाग ठीक करके जो नेसेसरी एक्शन और पंक्चुअलिटी है तो वो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीएफएमसी। सो ये एज पर नर्सिंग टर्म जो है वो आपको टेक्निकल नॉलेज रहना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स इसका वर्क एक्सपीरियंस क्या बोल रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए रजिस्टर्ड नर्स। सो आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस रहना पड़ेगा इसको आपको अगर आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करने में। एंड फ्रेंड्स इसका क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है, क्वालिफिकेशन है मिनिमम नर्सिंग ग्रेजुएट डिग्री आपको रहना पड़ेगा। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन रहना पड़ेगा। सो इसका लोकेशन है कोलकाता। सो फ्रेंड्स दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स और नर्सिंग एम्प्लॉय हु इज़ ऑलरेडी सर्विंग इन एनी प्राइवेट नर्सिंग होम और एनी गवर्नमेंट नर्सिंग होम। यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड इट इज़ बेस्ड इन कोलकाता एंड विल बी अ विस्तारा और एयरलाइन एम्प्लॉय नर्स। सो फ्रेंड्स ये जो रिक्वायरमेंट है आपको जो बताया आपको समझ में आ चुका है। इनकेस इफ यू हैव इट सो यू कैन कमेंट। सो फ्रेंड्स अभी जानेंगे इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ में क्लिक करना पड़ेगा। सो अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद आपका एक ऑनलाइन फॉर्म
सो फ्रेंड्स, आपका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक लॉगिन करना पड़ेगा। सो लॉगिन के बाद आपको ऐसा फॉर्मेट आएगा, तो इसमें वो फिलअप करना है। तो इसको फिलअप करना है, तो इसका एक जनरल ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। सो इसको कैसे फिलअप करना है, तो इंस्ट्रक्शन क्या है, काइंडली राइट इन ए नॉट एप्लीकेबल ऑन फील्ड्स दैट आर नॉट रिलेवेंट टू यू बट आर मैंडेटरी। तो अगर किसी कॉलम रिलेवेंट है बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, सो राइट नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट नंबर टू बोल रहा है, फ्रेशर्स कैन रिमूव द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट सेक्शन बाई क्लिकिंग ऑन रिमूव टैब जस्ट बिलो द फील्ड्स। सो अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट है, तो आप ये कर सकते हैं। एंड प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट बट पुट डिटेल स्टार्टिंग विद द मोस्ट रिसेंट वन। तो रिसेंट आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहे हैं, तो वो पहले आपको देना पड़ेगा, उसके बाद अदर्स एम्प्लॉयमेंट जो है उसको देना पड़ेगा। एंड नंबर फोर जो है, फॉर्मल एडुकेशन। सो फॉर्मल एडुकेशन नंबर ए बोल रहा है, प्लीज़ पुट द डिटेल्स शेयर स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट एडुकेशन फर्स्ट। सो आपका जो लास्ट डिग्री है और लास्ट क्वालिफिकेशन है, वो आपको फर्स्ट देना पड़ेगा। नंबर बी में बोल रहा है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग एज केबिन क्रू पायलट, सो मैंडेटरली पुट 12th स्टैंडर्ड डिटेल्स। सो इस ये एक्चुअली नर्सिंग जो रजिस्टर्ड नर्स है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सो इग्नोर दैट वन। एंड नंबर नेक्स्ट जो बोल रहा है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन अंडर आधार एंड जॉब स्पेसिफिक डिटेल सेक्शन वन सबमिटेड एंड प्रोसेस विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एनी एडिट। सो जॉब रिलेटेड एंड अदर जो डिटेल्स है, वो आपको केयरफुली फिलअप करना है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपको दो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना पड़ेगा, दैट इज़ योर CV। सो CV आपको एक रखना पड़ेगा, एंड यू नीड टू हैव अ कवर लेटर। सो यू नीड टू अपलोड दिस वन बिफोर अप्लाइंग। सो इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट है डॉक सेक्स PDF इमेज एंड टेक्स्ट। एंड इसमें क्या बोल रहे हैं, मैसेज PPT एक्सेल फाइल, सो दैट आर नॉट एक्सेप्टेड फॉर CV और कवर लेटर। सो ये नहीं एप्लीकेबल, मतलब ओनली डॉक्स फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, इमेज एंड टेक्स्ट फॉर्मेट में ये आपको रखना पड़ेगा, दैट इज CV एंड कवर लेटर। नेक्स्ट जो है, तो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आपको पूरा करना पड़ेगा, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट सेक्शन, फॉर्मल एडुकेशन, लैंग्वेज स्किल एंड अदर जॉब स्पेसिफिक डिटेल्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू फिल अप ऑल द डिटेल्स। आफ्टर दैट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई, सो आपका फॉर्म सबमिट हो। आशा करते हैं कैसे फिलअप करना है आपको समझ में आ चुका है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी दूसरा वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है, एंड यू हैव लाइक द इन्फॉर्मेशन। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको किसी दूसरा कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस पोस्ट और एनी अदर जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली यू कैन कमेंट। एंड फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एज फ्रॉम दैट एयर ट्रैवल साथी चैनल और दिस चैनल यू विल गेट ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।